हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अनम लॉजिक। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपना ऐप के अंदर लोकेशन किस तरीके से चेंज कर सकते हो और इसका क्या फ़ायदा होता है। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में कम्प्लीटली आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैंने इससे पहले दो वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने सबसे पहले वाला वीडियो ये बनाया कि आपको 3 दिन के अंदर जॉब मिल जाएगी। इस वीडियो में मैंने कम्प्लीटली अपना ऐप को कम्प्लीटली मैंने आपको बता दिया है इसका प्रोसेस क्या है, इसमें आप रजिस्टर कैसे करोगे, इसमें आप लॉगिंग कैसे करोगे, इसमें आप कार्ड कैसे बनाओगे, उसके बाद आप जॉब के लिए कैसे अप्लाई करोगे और उसके बाद आपको अपने एरिया में जॉब किस तरीके से मिलेगी, ये मैंने इस वीडियो के अंदर कम्प्लीटली बता दिया है, ठीक है। और आपको किस तरीके से वहाँ पे आपका आप जैसे उसको उनको कॉल करते हो, आप जो जॉब के लिए अप्लाई करते हो उनको कॉल करते हो और उनका रिप्लाई व्हाट्सएप पे किस हिसाब से आता है, टोटली मैंने इस वीडियो में बता दिया, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो, एक बार जाके ज़रूर देखना। और दोस्तों दूसरा वीडियो मैंने ये बताया है कि आपको घर बैठे वर्क फ्रॉम होम का जॉब किस तरीके से मिल सकता है और किस तरीके से आप अपना ऐप में अप्लाई कर सकते हो, उसके बारे में मैंने यहाँ पे बताया। अब मैं दोस्तों ये बताऊँ कि आप लोकेशन किस तरीके से चेंज कर सकते हो और इस लोकेशन को चेंज करने के लिए आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों ये दो वीडियो है, इस दो वीडियो को लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है या तो फिर आपको आई बटन पर भी मिल जाएगा, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, ये दोनों वीडियो का लिंक मैंने डाल दिया है, ठीक है। तो आप उस दोनों वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह देखना ताकि अपना आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। और दोस्तों लोकेशन के बारे में, लोकेशन चेंज करने से आपको क्या फायदा होगा, दोस्तों देखिए लोकेशन चेंज करने से आपको यह फायदा होगा और यह एक जेन्युइन तरीका है भी। जेन्युइन क्यों और मैं इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने अपना ऐप की जो असिस्टेंट है ईशा, उससे मैंने बात की। यहां पर देखिए साइड में आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, इनसे मैंने बात की कि अगर मैं रहता हूँ सूरत के अंदर और सूरत के अंदर वर्क फ्रॉम होम की जॉब अवेलेबल नहीं है, तो क्या मैं अपना जो लोकेशन है वो चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि कलकत्ता, मुंबई, ऐसी लोकेशन डाल के, इन बड़ी सिटीज़ की जो लोकेशन डाल के मैं वर्क फ्रॉम का जॉब वहाँ से ले सकता हूँ। तो उनका रिप्लाई आता है, देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लिखा हुआ है, उनका रिप्लाई आता है हाँ जी करके। और दोस्तों इसी तरीके से मैंने पूना का लोकेशन डाले तो पूना से मुझे एक जॉब मिली है डिजिटल मार्केटिंग की, दोस्तों इसी तरीके से मुझे मिली है। तो दोस्तों मैं आपको यही बताऊँगा कि लोकेशन आपको किस तरीके से चेंज करना है और वर्क फ्रॉम होम के लिए किस तरीके से अप्लाई करना है। और दोस्तों लोकेशन चेंज करना, सिर्फ एक ही कंडीशन आपको चेंज करना है, जब आपको वर्क फ्रॉम होम का जॉब अगर लेना हो तो तभी चेंज करना, क्योंकि अगर आप पार्ट टाइम जॉब के लिए या फुल टाइम जॉब के लिए अगर आप लोकेशन चेंज करोगे तो वो कतई मान्य नहीं होगा। क्यों? उसका रीज़न है, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब के लिए आपको उनकी ऑफिस पे विजिट करके 8 घंटा देना, 4 घंटा देना पड़ेगा, और या फुल टाइम अगर आप चाहते हो तो उनको आप 8 घंटा वहाँ पर जॉब करना पड़ेगा, उनके ऑफिस के ऊपर जाना पड़ेगा। जब आप रहते हो सूरत में और आप लोकेशन चेंज करोगे कलकत्ता या मुंबई की डालोगे तो आप अप डाउन कैसे करोगे? तो इसके लिए ये सिर्फ आप अप्लाई करना वर्क फ्रॉम होम के लिए। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम के लिए या अगर वहाँ पर अगर उनकी ऑफिस में विजिट भी करना होगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही बार विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर काम आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपके घर में कंप्यूटर या लैपटॉप के थ्रू आप कॉल के थ्रू आप काम कर सकते हो, ठीक है। आप वहां से जाके अपॉइंटमेंट, अभी तो अपॉइंटमेंट लेटर भी आपको घर पे पोस्ट कर दो, लेकिन अगर आपको वो बुलाएंगे कि एक बार आपको विजिट करना पड़ेगा तो आप वहां पे जा सकते हो। अगर वो नहीं भी बुलाएंगे, आप घर में आप इंटरव्यू अगर फोन पे इतना अच्छा दे दोगे तो वहां पे जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको काम घर पे ही प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों वर्क फ्रॉम होम के लिए ही आप लोकेशन चेंज करना, सिर्फ यही एक फायदा है। अभी आप एक उम्मीद लगाओगे कि भाई अभी हम चेंज कैसे करोगे, तो ये वीडियो मैंने उसी के लिए बनाया हो कि आप कैसे चेंज कर सकते हो अपने कार्ट के अंदर लोकेशन। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, और ये लोकेशन चेंज करने से क्या होगा, आपको वर्क फ्रॉम होम का जॉब पूरे इंडिया में से आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो और कहीं से भी आपको मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो में दोस्तों अगर आपको जॉब लग जाती है इस वीडियो के थ्रू, अगर आपका काम बन जाता है तो वीडियो को लाइक करते करते जरूर जाना, और आप अपने भाई को फॉलो करना चाहते हो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करें। तो दोस्तों मैं अभी आ गया हूँ मेरे मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पर मैंने अपना ऐप को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप मुझे ध्यान से देख सकते हो कि मेरा लोकेशन है वो सूरत, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जो जॉब की टाइप्स जो चुने हैं, यहाँ पे ऑल चुना है मैंने, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी जॉब की जो टाइप है वो चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 3 टाइप चुने हैं, एक है कंप्यूटर और डेटा एंट्री, दूसरी है डिजिटल मार्केटिंग,
और तीसरी है दोस्तों वीडियो एडिटिंग, ठीक है। ये तीनों टाइप्स मैंने चुने और इस हिसाब से मुझे जॉब चाहिए जिसमें मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे आपको पार्ट टाइम जॉब दिख रहा है, वर्क फ्रॉम होम दिख रहा है और नाइट शिफ्ट दिख रहा है। पहले मैं यहाँ पे कंप्यूटर डेटा एंट्री के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वर्क फ्रॉम होम के ऊपर क्या करूँगा, क्लिक कर दूँगा। और यहाँ पे जैसे ही वर्क फ्रॉम होम के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो सूरत के लोकेशन के ऊपर कंप्यूटर डेटा एंट्री में आपकी सिलेक्टेड जॉब टाइप में अभी जॉब अवेलेबल नहीं है, नीचे दिए हुए सिमिलर जॉब चेक कीजिए, ठीक है। मुझे तो यहाँ पे सिमिलर जॉब दिया, यहाँ पे सिमिलर जॉब एक ही दिख रहा है लेकिन वर्क फ्रॉम होम एक भी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों अभी आपको क्या करना है, दूसरा यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा। डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर भी दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे भी मुझे क्या बोल रहा है कि आपके जो डिजिटल मार्केटिंग है उसके हिसाब से आपकी जॉब अभी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अकाउंटिंग और फाइनेंस है जो मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता है, ये भी वर्क फ्रॉम होम है लेकिन क्या मुझे अकाउंट आता नहीं तो मैं अप्लाई कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं वीडियो एडिटिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ। वीडियो एडिटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे बोलता है आपके सिलेक्टेड फिल्टर में जॉब अवेलेबल नहीं है, प्लीज़ फिल्टर हटा कर ट्राई कीजिए। अब मैं क्या करूँगा, फिल्टर हटा दूँगा, ठीक है। अब यहाँ इसका मतलब ये है कि शॉर्टकट मैं आप अभी समझ लीजिए कि सूरत के लोकेशन के ऊपर वर्क फ्रॉम होम जॉब मेरा जो जॉब टाइप है उसके मुताबिक अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, लोकेशन चेंज कर दूँगा। लोकेशन कैसे चेंज करना है दोस्तों, आपको सिंपल सा ये कार्ड दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक कर लेना है। और जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एडिट कार्ड जो लिखा हुआ है ना इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सूरत जो लिखा हुआ है इसमें चेंज करके आप अपना लोकेशन चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी एक ट्राई करूँगा, पूना ट्राई करूँगा। पुनः ट्राई करने के बाद यहाँ पे मैं लोकेशन चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे कोई भी एक लोकेशन मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऐड करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट कर दूँगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको पूछेगा आपको इंग्लिश अच्छी आती है कि थोड़ा आती है, तो मेरे को तो थोड़ा इंग्लिश आती है। उसके बाद मैं कंटिन्यू कर दूँगा। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर दूँगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डन कर दूँगा। डन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे पूरी तरीके से मेरा जो लोकेशन है यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूना हो गया, सूरत था अब पूना हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे जॉब जो लिखा हुआ है ना इसके ऊपर आपको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। और जैसे ही आप सिलेक्ट करते हो उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑल के ऊपर भी सिलेक्ट रहेगा तो चलेगा, या तो फिर कंप्यूटर या डेटा एंट्री के ऊपर आप सिलेक्ट करके यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम के ऊपर आपको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे भी देखिए कंप्यूटर डेटा एंट्री से रिलेटेड यहाँ पे कोई भी जॉब अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे खाली एक है जो कि नाइट शिफ्ट में आईटी रिक्रूटर के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो होम रिसोर्स करके, लेकिन होम रिसोर्स के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है तो मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं करूँगा। अब मैं सेकेंड जॉब क्या करूँगा, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे देखिए दो जॉब अवेलेबल है डिजिटल मार्केटिंग के, ठीक है। यहाँ पे देखिए वर्क फ्रॉम होम, और यहाँ पे देखिए आपको होम का जो सिंबल जो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे देखिए मैंने टिक भी लगा दिया है, तो ये है वर्क फ्रॉम होम का जॉब। इसका मतलब होता है कि आप वर्क फ्रॉम होम का जॉब हो, वर्क फ्रॉम होम से आप कर सकते हो, यानी घर बैठे आप क्या कर सकते हो, जॉब कर सकते हो। तो यहाँ से आप अप्लाई कर देना, और अप्लाई किस तरीके से करते हैं मैंने इससे पहले वाली दो वीडियो में बता चुका हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे वीडियो एडिटिंग के ऊपर भी मैं क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड भी कोई जॉब नहीं, खाली डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही दो जॉब यहाँ पे मुझे बता रहा है। तो दोस्तों लोकेशन चेंज करने से ये फायदा होता है कि आप घर बैठे जॉब यहां पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी सिटी में अवेलेबल नहीं है तो अदर सिटी का लोकेशन डाल के आप वहां पे आप कांटेक्ट अपना बढ़ाकर आप यहां पे अपने वर्क फ्रॉम होम का जॉब अप्लाई करके पा सकते हो, घर बैठे अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अभी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो मेरे चैनल अनम लॉजिक को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए।